जी। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी, क्या हाल चाल है जी आप सबका? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, बढ़िया ही होना चाहिए, बढ़िया ही होना चाहिए। आज मेरा बेटा टैटू बनवा के आया। हाँ, हाँ, ये दिखा हाथ अपना इधर से, अभी साफ नहीं है ये रहा। अभी बनवा के आया। कहता मम्मी कुछ अच्छा सा खिला दो, थोड़ी दर्द हो रही है दर्द हो रही है। हाँ इसमें। मैंने कहा चलो फिर कुछ इंस्टेंट काम किया जाए। ठीक है, आप बना रहे हैं सूजी दे बड़े, सांबर में बनाता, जल्दी जल्दी वाला सांबर बनाता, बहुत जल्दी वाला। तो मैं क्या, चलो आपा बड़े बनाने हैं। ये लिया मैंने 1.5 कप सूजी का, मोटी पतली कोई भी सूजी हो ले लो, टेंशन नहीं करनी। ठीक है जी, इसमें मैंने ये डाल दिया कड़ी पत्ता, इसको थोड़ा ऐसे कर लिया, मेरे पास सूखा है। आप ताज़ा कड़ी पत्ता है तो काट के बारीक बारीक डाल दो। ठीक है जी, खूब सारा डाल दो अपनी इच्छा के अनुसार। चलो जी, ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा धनिया, और ये है जी थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च। ठीक है, स्वाद के अनुसार डाल देना है जी इसमें नमक, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखते क्योंकि सांभर करा रहा है हमारा। नमक इसमें डाल देना जी, थोड़ा सा हमने जीरा। ठीक है जी, ये 1.5 कप है, इसमें 3/4 कप जो है मैं दही का डाल रही हूँ। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया जी। इसको हमने कर लेना है जी मिक्स। ये ना बड़ी जल्दी जल्दी बन जाते हैं। अभी पका भी नहीं और कड़ी पत्ते की खुशबू अभी अभी आग हाँ, तक आ रही है। ये भी डाल देती हूँ, कड़ी पत्ता ना अच्छा बड़ा लगता है इसमें। ये बस। बड़ी क्विक सी रेसिपी बन गई है ना। ये देखो जी, मेरे को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए ना ये भी डाल दूँ ये ट्रेडिशनल तो नहीं है हमारा। बिल्कुल, हाँ, ये देखो जी, ये हमारे वाला स्टाइल ये है जैसे हम हमारे घर, कहते हैं। ये हमारे घर का तरीका है। ये कोई वो रेसिपी नहीं है जो ऑथेंटिक है, हम अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं तभी आपको कहती हूँ कि जैसे हम बनाते हैं देख लो, फिर उसको ट्विस्ट कर लो ट्विस्ट अपने कर टेस्ट लो। के हिसाब से। हाँ ठीक है ना, ये लो जी, ये हो गया। अब इसमें हमने डाल देना है जी थोड़ा सा पानी, ये इसी वाले दही वाले में करके। अब मैं ना यहाँ करूँगी अपना हाथ यूज़। इसके बिना कहाँ बात रहनी है। हाँ, ये थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेना हमने, ज़्यादा पतला नहीं करना। बस ये देखो, बस यहाँ आप नमक चेक कर लो। अब हमने इधर रख लिया जी कढ़ाई, तेल हो रहा है हमारा गरम। ये जब गरम होता है फिर मिलते हैं आपसे, हाथ भी धो लेते हैं तब तक। हाँ जी, ये देखो जी, सूजी साड़ी थोड़ी जी वो होगी हुई है, ये विच मैं हूँ पा देनी है जी, ये थोड़ी जी कुटी हुई मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली है। इसमें थोड़ा सा पानी और डालना है, सूजी ने जितना फूलना था वो फूल गई है। ज़्यादा देर नहीं सूजी ने रखा, हाँ ज़्यादा देर नहीं हमने रखा। इधर हमारा ये हो गया है, तो ऑयल हो गर्म चुका हो है। गया। हाँ करेंगे फिर हाँ बस 1 मिनट, थोड़ा सा इसको सेट कर लें। ये है जी मीठा सोडा, जो क्या बोलते हो आप, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। हाँ, ये मैंने 1/4 चम्मच इसमें डाल लेना है, और थोड़ा सा साथ में डाल लेना है पानी। बस इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। इसको तभी मिक्स करना है जब हमने एकदम से बड़े बनाने हैं। ठीक है, पहले मिक्स करके नहीं रखना। ये देखो, ये हल्का हो गया, फूल गया। हाँ जी, अब इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, हाथ पे रखो ऐसे, और इसमें होल करो ऐसे और डाल दो। लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाती, मेरा तरीका बड़ा आसान है। मैं लेती हूँ जी एक कटोरी, ठीक है, उस पर डालती हूँ पतला कपड़ा, उस पर लगाया पानी, इस पे रखा ये, इसमें छेद किया,
हल्का सा इसको उठाया और डाल दिया। ठीक है जी, ये देखो इधर एक बार फिर यहाँ लगाया पानी, ये यहाँ रखा थोड़ा सा जितना बड़ा आपने बनाना है, ये देखो इसको फैला दिया, गोल कर दिया, इसमें ये छेद कर दिया, ऐसे उठाया ऐसे डाल दिया। अब हम ऐसे करके इसमें डालते हैं बड़े, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखो जी ये कितने सुंदर गोल गोल बन रहे हैं, बस इनको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है और फिर निकाल लेना है। ये पहले वाला डाला था जो ये है, बाकी धीरे धीरे हो रहे हैं, इनको फ्राई करके असी तुहानू मिलदे हैं जी। ठीक है जी। हाँ जी, लो जी साढ़े बड़े बन गए जी। हाँ जी, बड़े बन गए। आ देखो सांबर तैयार है, बड़ा इंस्टेंट सांबर बनाया असी जल्दी जल्दी वाला, पर टेस्टी बने। हाँ टेस्ट अच्छा बनता है, कई बार जल्दी जल्दी जो करना हो ना उदो। हाँ जी, अब प्लेट तैयार करते हैं और तेरे मुंह में डालते हैं, और क्या करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी करो। क्या बात है, करें जी टेस्ट। हाँ जी करो जी, करो कराओ जी, फिर करो जी। क्या होता है, ये देख, ये देख इधर दिखा, ये देख कितने सॉफ्ट हैं, आराम से टूटते हैं ये बिल्कुल। वो ऐसे वाली रेसिपी है, चीट कोड वाली रेसिपी। हाँ वैसे तो वो दाल और चावल से बनते हैं, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, चावल और दाल भिगोते हैं आप सब जानते हो, फिर उसको हम पीस लेते हैं। लेकिन ये तब है जब ऐसे जो ये शरारती है ना, ये कहें बड़ी भूख लगी और खाना भी सांभर बड़ा है, तो तब है ये इंस्टेंट वाला। ये हमारा तरीका है, बहुत तरीकों से बनते हैं। चलो जी अब हम करवाते हैं पुत्र जी को टेस्ट। आज सांभर थोड़ा कोसा है बड़े गर्म है ना। सच बता, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा, कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर, ये ना बिल्कुल ये आराम से टूट रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि ये सख्त है या क्या, हार्ड नहीं है, बहुत अच्छे हैं। ये ले, ये हमारा वो तरीका है जब एकदम से हमें खाने होते हैं ना, चलो 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 बनाए तब बना लेते हैं। मैं करती हूँ, मजा आ गया आज। पता क्या है, सांबर थोड़ा कोसा है, बड़े हैं गरम गरम, तो खाने में भी ज्यादा मजा आ रहा है अगर सारी चीजें गरम होती हैं। हाँ जी, तुसी बनाने हो इस तरह सूजी दे बड़े? अगर बनाते हो तो मुझे बताओ और क्या डालते हो, ते जे नहीं बनाते ना इस तरीके नाल बना के देखो, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाता है सच्ची, इंस्टेंट इंस्टेंट। इनू सूजी नू ज्यादा देर नहीं लगती करन च, फ्राई किते एक पासे आपा कुकर से दवाइयां मिसला, जल्दी जल्दी सांबर बन गया। चलो जी हुण असीं लैने आ अपने सांबर वड़े दा मजा, सूजी दे सांबर वड़े दा मजा, ते मिलदे आ जी तुहानू अपनी अगली वीडियो च। तब तक बहुत सारे प्यार के साथ हमारी बाय 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 बाय।